माय डियर स्टूडेंट्स आज हम पोएम द डक एंड द गंगा पढ़ रहे हैं। हम लेसन और लेसन के बाद में जैसे जैसे आगे बीच में पोएम भी आ रही है उन्हें सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इस पर मैंने बोल भी लिखिए ग्रेसेस उदार नेस्टी गंदा या गंदा राइट वर्ब कई बार एग्जाम में होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के लिए पूछी गई है तो इसकी सिंपल पास्ट या सेकंड फॉर्म होती है रोड राइड रोड ट्रिप। ओके रिक्वायर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जरूरत होना। रिक्वायर सेकंड और थर्ड फॉर्म में रिक्वायर। ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है आपकी क्लॉक जो गया लगा है तो कहते हैं बड़ा वाला कोट जो आता है नीचे तक चलता है उसे क्लॉक कहते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन का अर्थ और स्टील का अर्थ होता है ठीक है। हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं आप मेरे साथ लाइन टू लाइन बन रहे हैं। दिस इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर। ये एडवर्ड लियर द्वारा कंपोज की गई लिखी गई नॉनसेंस वर्ड्स के रूप में जानी जाती एक हास्य कविता रीड एंड एंजॉय इसे पढ़े और इसका आनंद ले। फर्स्ट स्थान पर से पढ़ते हैं सेड द डक टू द कंगारू गुड ग्रेसियस हाउ यू गो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। My life is a bore in this nasty pond and I long to go out in the world beyond. I will go like you said the duck to the gangaroo. डक का हम अच्छे से इसका मीनिंग जानते हैं छोटी क्लासों से पढ़ते वाले डक का अर्थ होता है बतख और कंगारू जो कंगारू ऑस्ट्रेलियन कंगारू जैसे फेमस नहीं है जो अपने बच्चों को खेली में रहते हैं उसको भी हमने कई बार सोशल साइंस वगैरह में हम पढ़ते हैं ठीक है ना। तो द डक एंड द गंगा बतख और गंगा ग्रेशियस का होता है दयाल या उदार हो वर्ब है या जो भी हो का होता है कुदरतना रेगुलर वर्ब है हो पे हो सेकंड और थर्ड फॉर्म है बोर नीरशावर को कहते हैं नेस्टी गंदा लॉन्ग प्रतीक्षा करना के लिए और बयान का होता है कि दूसरी ओर दूर या परे के लिए बयान यूज किया जाता सेड द डक टू द कंगारू गुड ग्रेसियस हाउ यू गो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। My life is a bore in this nasty pond and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Said the duck to the kangaroo. Batak ne kangaroo se kaha, good gracious, how you are? Achhe dayalu. आप किस प्रकार से उदकते हो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर शूज आप मैदान और पानी में भी कैसे उदकते हो एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप और जैसा कि आप कभी रुकेंगे भी नहीं एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। माय लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड मेरा जीवन तो इस गंदे तालाब में नीरस में बहुत है एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड और मेरा तीव्र इच्छा है मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इससे दूर बाहर की दुनिया में जाऊं। आई विश आई कुड होप लाइक यू काश मैं भी आपके समान उड़ सकती ऐसी मैं आशा करती हूँ।
said that to the Ganga. बदक ने गंगा से कहा, यम ने फर्स्ट स्टैंडा पढ़ा। फर्स्ट स्टैंडा इम्पोर्टेंट भी है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो हम इसे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने पहले ये डिस्कस किया था कि हमारे टेंथ के एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पोएट्री का पार्ट है, वो 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का हमारा पोएट्री का सेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें से 9th और 10th का सेम ही कितना ना कितना 9th का पढ़ रहे हैं, तो 9th और 10th दोनों में जो हमारा ईयरली का जो पेपर होता है या जो बोर्ड का पेपर होता है, इसमें 10 मार्क्स का पोएट्री का वर्टेज, 10 मार्क्स की पोएट्री पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि 4 नंबर का तो अपना एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, जिसमें हमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, बात समझ में। तो इन्हें लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस में हम लिखने का तरीका, यदि हम एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट खूब सारे कर चुके हैं, तो रेफरेंस में होता क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द डेथ एंड गंगा कंपोज्ड बाय अर्जुन गियर, ये लिखना है रेफरेंस। अर्थात हिंदी में हम इसे संदर्भ कहते हैं, और इसका जो होता है कि ये पंक्तियां अर्जुन गियर द्वारा लिखी गई या रचित कविता द डेथ एंड गंगा से ली गई है। हिंदी में क्या लिखते हैं ना, संदर्भ पसंद होता है क्या, ठीक है, सीधा आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस की लैंग्वेज ठीक से, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, याद रख सभी पोएम आपको याद रखो लिखना ही है। बाद में क्या करना है, लाइन को आइडेंटिफाई, लाइन को पहचान करने के बाद हमें उस पोएम के टाइटल या हेडिंग को लिखना होता है। जैसे ये पोएम है डक एंड कंगल, आपको लिखना है डक एंड कंगल, और जिस राइटर ने लिखी है उसका नाम लिखना है। कौन है लिखने वाला, डेकन कंगारू, एडवर्ड लियर। कौन है, एडवर्ड लियर। कंपोजर या राइटर कौन है, एडवर्ड लियर। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लिखेंगे, तो रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द डक एंड कंगारू कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर, कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर। लिख आया कर फिर हम चलेंगे आगे कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो इसका जो पोएम है उसका एक प्रकार का थीम का सारांश होता है, जिस होता है एक प्रकार का थीम का सारांश होता है, हम उसे लिखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, इन दीज लाइंस डेप्थ एक्सप्रेशंस हैव विश टू विजिट द वर्ल्ड लाइक द कंगारू डस, इन पंक्तियों में बदक भी कंगारू की तरह दुनिया में ढूंढने की इच्छा व्यक्त करती है। बस यही तो है, और क्या प्रश्न में, इन दीज लाइंस द डेप्थ, डेप्थ सिंगुलर है ना, एक वचन करता है ना, एक्सप्रेस का तो अभिव्यक्त करना एक्सप्रेशन हो जाएगा, अभिव्यक्त करता है। In these lines, the dead expresses her wish to visit the world like the Kangaroo does. बाजार समझ में इस प्रकार से इसे लिखते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी यहाँ तक। फिर क्या है, एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन में हम जैसा लाइन टू लाइन लिखा हुआ है उसको हमें लाइंस में टेक्स्ट में लिखना है, और ग्रामर के जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए हमें लिखना है। ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस को बनाने में त्रुटि नहीं होना, जितना आप चाहे सिंपल वे में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है
करेंगे तो इसका निश्चित होगा द डक हैज क्लेम्ड द सरप्राइज दैट द कंगारू होप इन ग्रेट वे। बतख ने आश्चर्य से कहा कि कंगारू बहुत अच्छा कूदता है। उसे आश्चर्य हुआ, बतख को आश्चर्य हुआ। ही होप ओवर द फील्ड्स एंड हैज ओवर द वाटर। देखिए तो यही तरह पानी के ऊपर भी कूदता है। कितनी अच्छी बात को राइटर ने कहा, इज होपिंग नेवर सीम्ड टू स्टॉप। इज होपिंग नेवर सीम्ड टू स्टॉप। वो उसका कूदना ऐसा लगता है कभी नहीं रुकेगा। द डक सेड दैट शी ऑलवेज लिव्ड इन अ पॉन्ड एंड देयरफॉर हर लाइफ वाज क्वाइट बोरिंग। और बतख ने कहा कि वह तो हमेशा एक तालाब में ही रहती है और इससे उसका जीवन बहुत नीरस हो गया। शी एक्सप्रेस दैट वी शुड गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड हर पॉन्ड। और उसने भी अपनी इच्छा व्यक्त करी कि वह अपने तालाब से बाहर के संसार में रहना चाहती है। शी विश दैट शी माइट बी एबल टू होप लाइक द कंगारू। और उसने चाहा कि काश वह कंगारू की तरह खुद कर सके। तो हमने इसके ध्यान फर्स्ट का ध्यान ट्रांसलेशन किया है, ठीक है ना। आप इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से समझे क्या करना है। मैं भी हमने इस लेसन की जब आप पोएम को पढ़े तो पोएम में क्या होगा, आप थोड़े लाइन से आइडेंटिफाई हो जाए, आप उनको पहचान लें कि ये लाइन्स अपने हिसाब में क्या होता है। दो पोएम दी हुई होती है, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक पोएम हमें करनी होती है। बस अपना ये एग्जाम का पैटर्न, दो में से एक पोएम हमें करनी होती है। बार बार सुन रहे हैं तो ज्यादा अपने सिलेबस में पोएम है भी नहीं, टोटल जो पोएम अपने सिलेबस में जो दे रखी है वो टोटल 10 दे रखी है, ठीक है ना। तो आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो आप क्या होगा, लाइन से आप परिचित हो जाएंगे। फटाक से आप क्या करेंगे, इस पोएम का टाइटल को पकड़ेंगे, किसका शीर्षक क्या है, फिर आपको क्या करना है, शीर्षक को राइटर के नाम से कंपोजर के नाम से साथ में अटैच करके याद करना है कि डक एंड द कंगारू। सीधा आपके दिमाग में क्लिक क्या करना चाहिए, एडवर्ड हियर, कि एडवर्ड हियर है, कोई क्लिक बना के आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप आसानी से। मतलब द डक एंड द कंगारू लिखते ही एडवर्ड हियर साहब आपके दिमाग में आज होने चाहिए। बात आ रही समझ में, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा जू में पीछे ARR को दे रखा है और वीर साथ की जो स्पेलिंग है उसमें भी पीछे ARR आता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा पकड़ना कैसे बस, फिर तो आपको याद आ जाएगा। लियर याद आ गया तो एडवर्ड लियर भी याद आ जाएगा। आधार समझ में ARR इसका याद कर ले, लियर सरकार भी ARR याद कर ले, दिमाग में आप इसी में से आ जाए, ठीक है ना। हम नेक्स्ट की स्टेंजा की लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल जो भी जो नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है उसकी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग को हम समझते हुए उसे आगे पढ़ेंगे। उसका जो एग्जाम का हमारा एक्सप्लेनेशन लेक्चर रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट जो तरीका है उसे हम डिस्कस करेंगे। और आप नियमित रूप से वीडियोज देखते हैं गायत्री विद्या मंदिर के चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उन्हें बताएं, समय का सदुपयोग करें और स्वयं को घर पर सुरक्षित रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर वगैरह यूज करें। जो बड़े रूटी हैं उनको थोड़े अच्छे से गाइड करें, उनकी हेल्प करें, उनका ध्यान रखें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखने में थोड़ा कोऑपरेट करें। नियमित रूप से इन वीडियोज को देखते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।